हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे मैप्स से संबंधित जो आपके चैप्टर चल रहे हैं उन्हीं में हम लोग अब देखेंगे जो आपके विश्व के प्रमुख लोह इस्पात औद्योगिक स्थल हैं उन्हें देखेंगे, विश्व के मोटर गाड़ी औद्योगिक स्थल हैं उन्हें भी हम लोग देख लेंगे, और विश्व के जल प्रोत निर्माण औद्योगिक स्थल हैं उन्हें भी देख लेंगे, और विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं जो उन्हें भी हम लोग इसी लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, ये आपके चार चैप्टर इसमें हम लोग खत्म कर लेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए एक में ही कंबाइन कर लेंगे। तो याद रखिए हम लोग मैप देखेंगे और पृथ्वी को बहुत अच्छे से सातों महाद्वीपों को देखेंगे, और आप लोगों को देश भी याद रखना है क्योंकि जब हम बात करेंगे कि जो आपके लोह औद्योगिक क्षेत्र भारत में भिलाई है, जैसे भद्रावती है, जमशेदपुर है, तो आपको याद होना चाहिए कि भारत में है। ठीक है, इसी तरह हम लोग मास्को की बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि रूस में है। तो चलिए हम लोग मैप्स पर एक नजर अच्छे से डाल देते हैं। तो ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, पृथ्वी में आपका प्यारा ये एशिया हो गया, जैसा कि आपको पता होगा एशिया में ही हमारा प्यारा भारत है। ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये आपका नीचे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एशिया में देखते हैं क्या है, एशिया में प्रमुख देशों को देखते हैं। ये भारत है, ठीक है, भारत में ये नीचे आपका श्रीलंका है जो पाक जलडमरू से अलग होता है, यही आपका लक्षद्वीप सागर है, ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, और ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका म्यांमार है जिनकी भारत से सीमा लगती है, भूटान, नेपाल, चीन की भी भारत से सीमा लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पीओके वाला हिस्सा लगता है अपना। ठीक है, भारत का ये चीन हो गया ऊपर, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मंगोलिया, ये आपका ऊपर रूस हो गया पूरा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, सीरिया, इराक, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ये आपकी फारस की खाड़ी है, लाल सागर है, अदन की खाड़ी है। याद रखिए आप लोग कि आपको जैसे कहीं बताए कि ये स्थल आपका यहाँ है मैम, तो आपको याद होना चाहिए कि सऊदी अरब है हमारा देश। ठीक है, श्रीलंका देख ही लिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, या न्यूजीलैंड। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग यूरोप में, यूरोप में बात करें तो तुर्की, जॉर्जिया और आपका रूस कुछ ऐसे देश हैं जो यूरोप में भी पड़ते हैं और एशिया में भी आते हैं, दोनों हिस्सों में पड़ते हैं। इसमें यूरोप में यूक्रेन हो गया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, इटली, स्लोवाकिया, चीकिया, हंगरी, पोलैंड, बेलारूस, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क। ठीक है, यह आपके प्रमुख यूरोप हो गया। इसी तरह अफ्रीका में हम लोग चलें, याद रखिए यह आपका भूमध्य सागर का हुआ, ये कृष्ण सागर है। अफ्रीका की बात करें तो मोरक्को हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया, मोरिटानिया हो गया, गैम्बिया, लाइबेरिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस, सूडान, इरिटिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, नाइजी या नाइजर, चाड, दक्षिणी सूडान, कांगो गणराज्य, तंजानिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, नामीबिया, स्वाजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ये आपका मेडागास्कर है। ठीक है, फिर हम लोग अभी दक्षिण अमेरिका में चलें तो यह आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो गया, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, क्यूबा है यहाँ, निकारागुआ, यह आपका उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ठीक है, न्यूयॉर्क। तो एक एक आपका मोटा मोटा मानचित्र का विवरण था, हडसन की खाड़ी, लिब्याडो, या आपका ग्रीनलैंड है, आइसलैंड। तो
तो ये था पूरा आपका मैप्स। हम लोगों ने 4-5 मिनट में पूरा विश्व घूम लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रमुख, जो विश्व के प्रमुख लोह इस्पात औद्योगिक स्थल हैं उनके बारे में। तो एशिया की बात करें तो हम लोग, ये आपका मास्को है, नागासाकी, यही टोक्यो है, ओसाका, कोवो, संघाई, वुहान, चुंगकिंग, जमशेदपुर, भद्रावती, भिलाई। ठीक है, ये आपके एशिया में, यूरोप में के पास गोरकी, वोल्गा, वोल्गोग्राड, स्टुटगार्ट, फ्रैंकफर्ट, बर्मिंगम, लीवरपूल, ग्लासगो, हेमबर्ग, ये आपके प्रमुख लोहे इस्पात उद्योग स्थल है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पर्थ, एडिलेड, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो बुफेलो हो गया, पीटर्सबर्ग, गैरी, शिकागो, मिलवाकी, डेट्रॉइट, ये सभी आपके कहाँ हैं, उत्तरी अमेरिका में। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख मोटर गाड़ी औद्योगिक स्थल। जो विश्व में आपके मोटर गाड़ी औद्योगिक स्थल हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो एशिया से बात करते हैं तो एक टोक्यो हो गया, कोलकाता, रोस्टो, और आपका ये गुर्गी, ये आपका उसमें भी आ जाता है, यूरोप में भी। ठीक है, याद रखिए, यही आपका यूरोप में स्टुटगार्ट हो गया, फ्रैंकफर्ट, रियोन, पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बर्मिंगम। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसमें एडी लेड, दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो रियो डी जेनेरो, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरो, उत्तरी अमेरिका में आपका बॉस्टन, डेट्रॉइट, शिकागो, ये आपके उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, तो ये थे आपके विश्व के प्रमुख मोटर गाड़ी औद्योगिक स्थल। फिर आपका विश्व के प्रमुख जो जलपोत निर्माण औद्योगिक स्थल है उनके बारे में, जलपोत जहां निर्माण होता है, तो इसमें टोक्यो हो गया, ओसाका, नगोया, व्लादिवोस्तोक, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोच्चि, ये आपका हो गया सब, ये सब हो गए आपके एशिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डार्विन और पर्थ, ये आपके जलपोत निर्माण औद्योगिक केंद्र है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के पास केपटाउन में एक, यूरोप की बात करें तो यूरोप में बार्सिलोना, एम्स्टर्डम, हेमबर्ग और कील, दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरो, और उत्तरी अमेरिका में आपका डेलावेयर और वाल्डी मोर, ये आपके उत्तरी अमेरिका में। तो ये थे आपके प्रमुख जलपोत निर्माण उद्योगिक स्थल। आप बात कर लेते हैं जिसकी जो प्रमुख जनजातियां विश्व में, जो आपकी जनजातियां फैली हुई उसके बारे में। तो एशिया की बात करें तो युगादि, युका, गिर, सेमुएर्स, ये सभी आपकी रूस में है, इनू, ये सभी एशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए, हो गोंड, बिरहोर, ये आपके भारत में, मीडा भी है, अफरीदी अफगानिस्तान, भील टोडा और बिद्दा, ये आपकी भील टोडा एशिया में ही, भारत में, बिद्रा है आपकी श्रीलंका में, यही आपका किर्गीज है जो आपकी चाइना में। ठीक, किर्गीज आपकी मंगोलिया के पास ही है। एटाच, पोनन, सकाई सेमांग, और यहाँ आपकी सेंटिनली, ओंग, जारवा, अंडमान, ये सभी आपकी एशिया की थी। और अगर एशिया में ही आपकी बद्रू है। यूरोप की बात करें हम लोग तो यहाँ आपकी कोसेक्स, मगयार और लेप्स, ये आपकी यूरोप में जो जनजातियां हैं वो थी। अब अफ्रीका की बात करें तो इसमें बर्बर, हेमाइट्रिश, फुलानी, बाबोसा, हल्जा, हल्दा, हजदा, सॉरी हजदा, मसाई, किगियू, पिगमी, बुशमैन,
और यही हांटेड हार्टेड टाट जुलू बांटू बोअर। ऑस्ट्रेलिया में आपकी बिंदु बिंदीवू ख्वारजिंस और न्यूजीलैंड में आपकी माओरी। ठीक है, ये थी आपकी एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया की थी। और अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो बोरो और इंका, ये आपकी दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में आपकी हिरबिली, अपाचे, माया, रेड इंडियन और एस्किमो, ये आपकी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां। तो ये थी आपकी जनजातियां। ठीक, बात करेंगे आगे हम लोग, बात देखेंगे उत्तरी अमेरिका के देश व उनकी राजधानियां। ठीक है, यही हमारे देश और उनकी राजधानियां बची हुई हैं मैप से संबंधित। ये कवर होने के बाद आपका पूरा विश्व का मैप्स कवर हो चुका है कंप्लीट। अब हमें इंडिया का देखना है, तो इंडिया का कुछ हम लोग पार्ट इसी में खत्म कर चुके, लेकिन हम लोग शुरू से करेंगे इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया से अधिकतर क्वेश्चन हमारे भारत से पूछे जाते हैं, तो उसे भी देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे देश और उनकी राजधानियां।